मेरे बाप्पा, विघ्नों को हरने वाले, सभी सुख देने वाले, सभी देवों में प्रथम पूजनीय भी है। यदि बप्पा प्रसन्न हो, घर को धन धान्य सभी कलाओं से पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन बप्पा अपने भक्तों से रुष्ट भी हो सकते हैं। जानिए क्या है वो कारण जिनसे बप्पा हो सकते हैं नाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं घर में कैसे करें बप्पा को स्थापित, जिससे घर में ना आए दरिद्रता। गणपति को पुराणों में विघ्नकर्ता और हर्ता दोनों कहा गया है। गणेश जी की मूर्ति घर में है तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके लिए गणेश विघ्नकर्ता ना बने और शुभ फलों की प्राप्ति होती रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में रखी गणेश जी की मूर्ति खंडित हो जाए या मूर्ति बेरंग होने लगे तो उसे नदी या तालाब में प्रवाहित करें और उसकी जगह नई मूर्ति को स्थापित करें। खंडित और बेरंग हो चुकी मूर्ति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है और इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को कभी ऐसे ना लगाएं जिसमें वे घर के बाहर देख रहे हों। गणेश जी की मुख हमेशा उस दिशा में होना चाहिए जिससे वे घर की ओर देखते नजर आएं। मान्यता है मूर्ति बाहर की ओर देखते हुए लगाएं तो ठीक इनके पीछे एक मूर्ति लगा दें, ताकि गणेश जी का पीठ अंदर की तरफ नहीं दिखे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणेश जी के पीछे वाले भाग को दुख और दरिद्रता का वास माना गया है। तो दोस्तों, इन उपायों के जरिए बप्पा आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो।